वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 7 अक्टूबर 2022 और 7 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट तो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज इस की इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्कन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने कैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है पे आर श्रीजेस को तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं पीआर आर इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है अच्छा ये पुरुष गोल गोलकीपर चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन चुनी गई हैं सबिता पुनिया कौन सबिता पुनिया और कल ही मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है मुमताज खान को किसे मुमताज खान को अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी स्थापना कब हुई थी 1924 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्विट्जरलैंड के लुसाने में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है सैफ अहमद कौन है सैफ अहमद तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नए क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है तो ये ईरान ने लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है ईरान की स्पेस एजेंसी ने एक सब ऑर्बिटल स्पेस में टग लॉन्च किया अच्छा ये टग उपग्रहों को कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने में सक्षम है और ये टग है क्या ये टग एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है अब ईरान के स्पेस सेंटर ने इसे लॉन्च किया है तो ये है मैप में ईरान ईरान की कैपिटल क्या है तेहरान ईरान की करेंसी क्या है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है इब्राहिम रहीशी कौन है इब्राहिम रहीशी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यू ए पी ए ट्रिब्यूनल के पेटासीन अधिकारी कौन बने हैं तो अभी यू ए पी ए के पेटासीन अधिकारी बने हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है आप इमेज में देखिए ये दिल्ली हाई हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार और यही यू ए पी ए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने हैं अच्छा यू ए पी ए ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म क्या है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यू ए की फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट तो यू ए पी ए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी अब दिनेश कुमार बने हैं अच्छा मैंने आपको कल ही बताया है कि संजीव किशोर ने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रेड किया है भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन डिक्लेयर किया है संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है सुनील वर्थवाल ने वाणिज्य विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला इंटरनेशनल एस्ट्रोनोटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार ने है हाल ही में किस राज्य के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है तुम्हारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह इन्होंने अभी उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन पर शस्त्र पूजा की तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड उत्तराखंड की कैपिटल क्या है देहरादून अच्छा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है गुरमेद सिंह अभी रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में शुरू हुई ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया और उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया अच्छा उत्तराखंड में फूलों की घाटी है फूल देही त्यौहार मनाया जाता है अच्छा हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है उत्तराखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है राजा नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फायर वोल्ट ने कैसे अपना नया ब्रांड एमेजिडर नियुक्त तो फायर वोल्ट इसकी स्मार्ट वॉचेज आती हैं तो फायर वोल्ट कंपनी ने अभी क्यारा अडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है क्यारा अडवाणी और एनी को फायर वोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि हीरो मोटो ने नया ब्रांड एम्बेसिडर रामचरण को घोषित किया यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी वर्जील होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड मेजिस्टर नियुक्त किया नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए बाणी कपूर को ब्रांड मिस्टर के रूप में चुना और फैन कोड के नए ब्रांड मेजिस्टर बने हैं रवि शास्त्री नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने है। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो अभी उड़ीसा के पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन हुआ तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अच्छा इसका उद्घाटन किया किसने है तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में किया है अच्छा ये दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल है तो पहला कहाँ खुला था पहला मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुला अच्छा ये जो राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल हैं ये लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करने और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने मैन इंडिया का खिताब जीता है तो अल्ट्रा मैन इंडिया का खिताब लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अल्ट्रा मैन इंडिया का खिताब इन्होंने इकतीस घंटे अट्ठाईस मिनट में पूरे मैराथन को कंप्लीट करके जीता है। इसमें क्या होता है टेन इवेंट होते हैं एक तो 10 किलोमीटर की तैराकी होती है 424 किलोमीटर की रोड साइकिलिंग होती है और चौवन किलोमीटर की रनिंग होती है इन सब को 31 घंटे 28 मिनट में पूरा करके कर्नल स्वरूप सिंह ने ये अल्ट्रा मैन इंडिया का किताब जीता नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केस राज्य तो सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं तो अभी झारखंड सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है इंडस्ट्रीज को 75 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करने के लिए ये औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश झारखंड सरकार ने दिए अब झारखंड तो ये है मैप में झारखंड झारखंड की कैपिटल क्या है रांची झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है रमेश बैश अच्छा अभी खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना पहला बिहार है दूसरा उड़ीसा है और अब तीसरा झारखंड बन गया है झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है जून माह में रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड टॉप पर रहा था तम्बाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार मिला है झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है अच्छा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड में शुरू हुई इतना आप झारखंड के बारे में याद रखिए अच्छा अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की गवर्नर थी इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो को पॉज करिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो हज़ार उनतीस एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा तो दो हजार उनतीस एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है सऊदी अरब के न्यू स्की रिजोर्ट में दो हज़ार उनतीस के एशियाई शीतकालीन खेल होंगे अब सऊदी अरब तो ये है मैप में सऊदी अरब सऊदी अरब की कैपिटल क्या है रियाड सऊदी अरब की करेंसी क्या है सऊदी रियाल सऊदी अरब की किंग कौन है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है मोहम्मद बिन सलमान कौन मोहम्मद बिन सलमान नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 2022 हजार बाईस देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है तो अभी रॉक्सी कोल ने 2022 हजार बाईस देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये, ये हैं पुणे स्थित भारतीय ऊष्ट कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक रॉक्सी कौल और इन्होंने ही 2022 हजार बाईस देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है अच्छा पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में इनके उत्कृष्ट शोध की वजह से इनको ये मेडल प्रदान किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन देश को बढ़ा है तो अभी अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बन गया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है इस सुगर सीजन में इंडिया में पांच हजार लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है और इंडिया ने 109 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया है तो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक अब इंडिया बन गया है और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चीनी का एक्सपोर्टर भी इंडिया बना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को एस का दर्जा देने की घोषणा की तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को एस का दर्जा देने की घोषणा की जो पहाड़ी समुदाय हैं उनको एस का दर्जा देने की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की है तो उस क्वेश्चन का बेक ऑप्शन सही है अब जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है मनोज सिन्हा अच्छा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग तीन दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने एक फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज अभी राष्ट्र को समर्पित किया जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एन ने किस देश में रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है तो अभी एन ने ओमान में रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है यानी कि इंडिया का रुपए क्रेडिट कार्ड अब ओमान में भी चलेगा इसमें क्या होगा इससे दोनों देशों में फंड ट्रांसफर में आसानी रहेगी अब ओमान तो ये है मैप में ओमान ओमान की कैपिटल क्या के है मस्कट ओमान की करेंसी क्या है ओमानी रियाल और ओमान के प्रजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है हेथम बिन तारिक कौन है हेथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही में 2022 का रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार कैसे दिया गया तो दो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और एक डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं इन तीनों को रसायन विज्ञान का 2022 का नोबल दिया गया तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है प्रयोग सभी कैरोलिन बर्टोजी वेरी सार्पलेस और मोर्टेन मेल्डल इन तीनों को 2022 का रसायन विज्ञान का नोबल प्रदान किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं तो अभी मोहित भाटिया बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये हैं मोहित भाटिया और यही बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं अच्छा अभी अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित वसीन चुने गए राजेंद्र कुमार को ए का महानिदेशक नियुक्त किया गया एस्टेस फिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसुजा बने एन के एम डी एन सी के रूप में दिलीप असबे को नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कैसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया तो अभी पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एंड डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज के इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग